हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है इंस्टेंट थिक सी क्रीमी सी सेवई। तो देखते हैं आज की रेसिपी, अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टेंट सेवई बनाने के लिए ये हमने आधा किलो फुल क्रीम मिल्क लिया है और इसको उबलने चढ़ा दिया है। जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो दूध को आप उबलने दीजिए और उसके साथ ही में डाल दीजिए 1 पिंच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अब हम वेट करते हैं दूध के उबलने का। अब यहाँ मैंने लिया हुआ है 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क। ये करीब पौनी कटोरी होता है, पौना कप जो है, 3/4 कप, उतना आप कंडेंस्ड मिल्क लेके इसमें डाल दीजिए और इसको उबलने दीजिए। बहुत ज़्यादा उबालना, गाढ़ा नहीं करना है हमें, इसमें बस बॉईल आने देना है। अब इसमें दूध में करीब करीब उबाल आ गया है। यहाँ मैंने 1 कप बिल्कुल बारीक वाली रोस्टेड सेवई ली है, जो बिल्कुल पतली वाली सेवई आती है, रोस्टेड आती है। अगर आपके पास रोस्टेड ना हो तो हल्का सा आधी टेबलस्पून देसी घी डाल के आप उसको धीमे धीमे गैस पे भून लीजिए। घी नहीं डालना है तो आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं और इस सेवई को डालकर आप इसको चला दीजिए। और अब हम बॉयल होने का वेट करेंगे। सब कुछ इसमें पड़ गया है, दूध, इलायची पाउडर, मिल्क मेड, सिवई। अब हम इसको बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद हम 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे। बस ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, बस 3 से 4 मिनट। तो इस तरह से ये बॉईल होके गाढ़ी होती रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये 3 मिनट करीब करीब उबल गया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें चिरौंजी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं, चिरौंजी, कटे हुए बादाम, किशमिश, इसको आप डाल के चला दीजिए। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी 3 से 4 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करने हैं, 3 ही मिनट काफ़ी रहते हैं इसके लिए। थोड़े से कटे हुए बादाम और किशमिश, गैस बंद कर दिया। आप देख सकते हैं थोड़ी सी पतली है, इससे मैं रख के ये इस टाइप से गाढ़ी हो जाएगी। तो थिक सी मीठी इंस्टेंट सेवई हमारी तैयार है, जो थोड़ी सी क्रीमी और पतली सेवई है उसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर है। ये है हमारी थिक इंस्टेंट सेवई, एकदम बनाइए और इंजॉय करिए।